रिस्पेक्टिवली 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 भाई तीन चार जगह ये रिस्पेक्टिवली शब्द आ रहा है। इस रिस्पेक्टिवली शब्द का आखिर मतलब क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग मैथ करते हो, ठीक है, दोनों को समझा रहा हूँ, अगर आप लोग मैथ करते हो तो आपको आप ये वाला शब्द है ना रेस्पेक्टिवली कई बार देखोगे, ठीक है। हम आमतौर पर क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको समझो बात को, ठीक है, कि बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, हर क्वेश्चन में क्यों रिपीट हो रहा है, इसका मतलब मैं बताता हूँ। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी, ठीक है। अभी ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, अब बात समझो इसकी। ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है हिंदी में क्रम अनुसार, ठीक है, क्रम अनुसार मतलब सीक्वेंस में। इसका मतलब पता क्या होता है कि ई और एफ जो हैं वो ए बी और ए सी के मिड पॉइंट हैं। तो पता है इसका मतलब क्या होगा, ई ए बी का मिड पॉइंट है और एफ ए सी का मिड पॉइंट है, ये है इसका मतलब, ठीक है। जिससे कि बच्चे कन्फ्यूज ना हो कि ई और एफ, ठीक है, इन्होंने कह दिया भाई ई और एफ मिड पॉइंट है और ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, तो बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं कहाँ पे कि भाई ई ए सी का मिड पॉइंट है या ई ए बी का मिड पॉइंट है। तो हम उसके बीच में रेस्पेक्टिवली लगा देते हैं, जिससे हमें पता लगे कि ई और एफ जिस क्रम में ये आए हैं मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के उसी क्रम में, यानी ई ए बी का है और एफ ए सी का है। अब आई बात समझ में, ये होता है रेस्पेक्टिवली का मतलब।